पंचायती चुनाव में ड्यूटी के दौरान एक शिक्षिका की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर जिला प्रशासन से किसी तरह की मदद न मिलने पर शिक्षिका ने अपना एक भावुक ऑडियो और वीडियो जारी करके अपना दर्द बयां किया है। शिक्षिका तेज खांसी और बुखार से पीड़ित है और उसके पति का कल ही कोविड टेस्ट हुआ है। दरअसल अपर्णा नाम की शिक्षिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बखिया दतरौल में तैनात है, जिसकी ड्यूटी पंचायती चुनाव में कलान ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय दसिया में लगाई गई थी। ड्यूटी से पहले महिला ने अधिकारियों को बताया था कि उसकी हालत खराब है, उसे तेज खांसी और बुखार की शिकायत है, लेकिन अधिकारियों ने जबरन उसे ड्यूटी पर भेज दिया। आज सुबह मतदान शुरू होते ही महिला की हालत बिगड़ गई। महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने शिक्षिका को स्कूल में ही जमीन पर लेटा दिया। इस दौरान शिक्षिका ने सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार से फोन पर बात करके चिकित्सीय मदद पहुंचाने की गुहार लगाई। शिक्षिका का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। मदद ना मिलने पर शिक्षिका ने अपना एक वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिक्षिका का कहना है कि उसके पति का कल ही कोरोना की जांच का सैंपल भेजा गया है। पति होम आइसोलेशन में है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर अकेले हैं। शिक्षिका में भी कोविड के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। शिक्षिका का ये भी कहना है कि अगर उसे या उसके पति को कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। अपने भावों को शब्दों में उसने यह भी कह दिया कि ये लोग टीचर को क्या समझते हैं। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि उनके पास जैसे ही शिक्षिका के बीमार होने की सूचना आई, वैसे ही रिजर्व में तैनात कर्मचारी को शिक्षिका के स्थान पर तैनात कर दिया गया है और शिक्षिका को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। मेरा नाम अपर्णा, उच्च प्राथमिक विद्यालय बखिया ददरौल से हूँ मैं। मेरी ड्यूटी कलान में उच्च प्राथमिक विद्यालय दसिया में लगाई गई है। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। सिटी मजिस्ट्रेट से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, बोले हैं अभी रुको अभी रुको, और ना मुझे जाने दिया जा रहा है और ना ही मुझे किसी सुविधा दी जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले, अब बताइए ऐसी कंडीशन मैं क्या करूं? अगर मेरे परिवार में अगर मुझे किसी भी तरह की कोई भी कैजुअल्टी भगवान करे होती है तो इसका दायित्व कौन होगा? टीचर को ये लोग क्या समझते हैं? कृपया करके हेल्प कीजिए।